हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटन स्टू की रेसिपी। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मटन स्टू बनाने के लिए हमने 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 दालचीनी और 1 जावित्री का फूल। खड़े मसालों को ऐड किए हुए 8 से 10 सेकंड हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और प्याज को हाई फ्लेम पर तेल में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, हमें इसका कलर नहीं चेंज करना। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट होने लगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 500 ग्राम मटन। अब मटन को भी तेल में 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने मटन को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज होने लगा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हम इसमें ऐड करेंगे 5 बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप यानी कि 100 ml पानी। अब कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद इसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे और लीड को खोलकर इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, अभी भी इसमें पानी है, इसलिए गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी अच्छे से सुखा लेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसके पानी को अच्छे से सुखा लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। दही ऐड करने के बाद हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। इसी के साथ हमारा स्टू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे डिश आउट करेंगे, लेकिन डिश आउट करने से पहले हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटी हरी मिर्च जिनको हमने बीच में से कट कर लिया है। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है लजीज मटन स्टू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।